रोजाना नई लड़कियों के शौकीन मेवाराम जैन की रासलीला सामने आई तो कांग्रेस और बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। राजस्थान के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला तो पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बृजभूषण शरण सिंह को तो भाजपा ने नहीं निकाला, हाँ कांग्रेस ने तुरंत मेवाराम जैन को पार्टी से निकाल दिया। ये फर्क है दोनों पार्टियों में और इसी फर्क पर हमें गर्व है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कहा, मेवाराम जैन पर आरोप करीब एक साल पहले सामने आए थे, फिर भी कांग्रेस खामोश रही। प्रियंका गांधी और सुप्रिया सुनेत ने कुछ नहीं बोला। कांग्रेस लीडरशिप के पास भी मेवाराम जैन की सीढ़ी पहले से रही होगी, लेकिन फिर भी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। अब जब हमने एक्सपोज किया है तो कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मेवाराम जैन की सीढ़ी आने के बाद कांग्रेस को मजबूरी में मेवाराम को सस्पेंड करना पड़ा। वहीं पवन खेड़ा बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं कि जिस तरह मेवाराम जैन पर कार्रवाई की गई, उस तरह बृजभूषण पर क्यों नहीं की गई। मेवाराम जैन का सीढ़ी कांड दिखाता है कि बेटियों का शोषण करने वाले नेताओं की किसी भी दल में कोई कमी नहीं है। मेवाराम जैन को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि एक विधायक बेटियों का शोषण करता रहा तो क्या राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार उस वक्त सोई हुई थी। आप मेवाराम जैन सीढ़ी कांड को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।